नाराज। आज आप बहुत उदास मालूम होते हो, तो क्या बात है? जो अंकल आ रहे हैं बीच में, अब हमारी चौथी अवस्था आ गई है। अभी तक संतान का मुंह नहीं देखा है। राज्य का कार्यभार इसके महाराज आप जैसे धैर्यशाली एवं शताब्दी राजा इस प्रकार शोभा देना शोभा नहीं देता। अतः आप तो आप प्रजापति महर्षि को बुलाकर कोई संतान उत्पत्ति का कोई उपाय करें। जिस प्रकार श्री गुरु महाराज जी की कृपा से अपनी अभिलाषा प्राप्त की थी, श्री भगवान जी की ऊंचा भवान होगी। दस बजे महाराज दस बजे में द्वारपाल जी तुम जाकर उन जी को बुलाकर ले आओ। तो बहुत एंड जाएंगे, अब तो राम जन्म नहीं हुआ, अभी बड़े होएंगे। नाना ना, अच्छा हाँ अच्छा एक्टर हाँ पता मुझको है राजने तुम्हारे क्या मनाल है। हुआ जा कह रहा उदास क्यों, कहो तबीयत का क्या हाल है। भारी देश का भी हाँ हाल है, छोटे और बड़े उदाहरण तुम्हारे दिल में ऐसा क्या है, ऐसा आया क्या ख्याल बताओ। हे राजा आज तुम्हारे पास होने का क्या कारण है। Thank you.
चिंता मत कीजिए, किसी को बुला लीजिए और एक पुलिस व्यक्त करा लीजिए, आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण हो। तो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, आप शीघ्र जाके सिंह ऋषि को बुलाने का प्रबंध किए। युवा गया महाराज, द्वारपाल जी, आप सिंह ऋषि को बुला के ले आए। अब राम को लेने जा रहे क्या? माइक नहीं चल रहा ना। गुरु जी के चरणों में आपका सबका प्रणाम। जय हो, ज्ञान हो, योग हो, सम्मान हो। हे मुनि श्रेष्ठ, गुरु वशिष्ठ जी के अनुसार पुत्र से यज्ञ करने का निर्णय किया है। वीडियो बन रही है, लाइव नहीं है। अस्तु, इस कार्य में आचार्य हेतु आपको कष्ट देने का अधिकतम राजन। हे राजन, गति से संपूर्ण सामग्री इकट्ठी की जाए और यज्ञ का जो आज्ञा महाराज। हे मंत्री जी, तुम यज्ञ ంగళం భగవాన్ విష్ణు మంగళం గురుజ మంగళం పుండరీకాక్ష మంగళాయ మనోహరి సర్వమంగళమాధిపదే గౌరీ నారాయణీ నమస్తే జయంతి మంగళాకారి భద్రకాధీకపాలని దుర్గాక్షమాదివాదాత్మస్వాహాసరాన్వసతే శాంతాకారం। हे मंत्री जी, गुरु महाराज जी को आदर सहित दरबार में बुलाइए। मुनि जी के चरणों में दास को सादर प्रणाम। आपका फोन है ना, कर देना। नंबर है इनको। हाँ, बड़े बड़े जय हो, क्या हो। मुनि जी के चरणों में जय हो, क्या हो, योग योग में सम्मान हो। जय मुनिनाथ, मेरे अहो भाग्य है जो आप किसी में आकर दर्शन दिए और मेरे ग्रहों को अपने चरणों से पवित्र किया। कहिए, सेवक के लिए क्या आज्ञा है? ये
देते हैं, पूजा सामग्री हम नष्ट भ्रष्ट होकर देते हैं, भस्मों के अत्याचारों से मैं आकर मैं घबराया हूँ। अगला सी रक्षा सहायता दोस्तों बस मैं तुमसे लेने आया हूँ। जब वहाँ आएगी ना तब मैं यही बनाऊंगा, दोनों चलने ना आदमी ये दोनों बालक हैं, बोले भाले दादा ये विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अज्ञानी है। इतनी बातें इतनी अचम यदि विष्णु से आप कहता हूँ मुझे संताप हुआ, दिन तुम्हारे पेट में नस्ल में पाप हुआ। प्यारे राम को इसकी बनानी है, प्यारे राम को प्यारे लक्ष्मण को प्यारे राम को प्यारे लक्ष्मण को मुझे राम मेरे बंदे बंधा राम करे धर्म हम, राम मेरे बंदे बंधा राम करे धर्म रघुकुल की मर्यादा हो दशरथ तुम जैसे ज्ञानी का बच्चों की ऐसी ममता है, खुदा तुम्हारा यौन इतनी ममता से जमता है। हे मुनिनाथ, यद्यपि राम लक्ष्मण मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं तथा आपकी आज्ञा अनुसार दोनों पुत्रों को आपकी सेवा में भेजता हूं, इनकी रक्षा करना। बेटा राम और लक्ष्मण तुम दोनों मुनि जी की सेवा में जाओ। जो आज्ञा पिताजी। जय यादव।
यहाँ पे डायलॉग ही नहीं था। अरे मैं क्या बोल रहे हैं? देखो पद में क्या होता है और जो आते श्री ऋषिराज विश्वामित्र जी को चरण स्पर्श प्रणाम। सभी ने निवेदन इस प्रकार है कि अश्विनी शुक्ला द्वितीय को मेघ लग्न शुभ मुहूर्त में मेरी पुत्री आयुष्मती जानकी के स्वयंवर को धनुष यज्ञ महोत्सव निश्चित हुआ है। अतः आपसे नम्र निवेदन किया जाता है कि निश्चित तिथि पर पधारकर अपने कमल रूपी चरणों से सेवक के यज्ञ को पवित्र करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दशना भुलाशी जनक मिथिलापुरी। समझ जा रहे बहुत बार जा रहा हूँ Thank you.
यही कारण यहाँ शीला गोसाई कारण यहाँ शीला गोसाई कह बुझाई श्रम तप धामा यह श्रम तप धामा अब केवल आपके चरणों की धूल चाहती है। इस धूल के प्रभाव से इसका उद्धार होगा, इसलिए इस पर अपने स्पर्श करो और ऊपर निकलेगा। अब हमें जनक पुरी की ओर चलना चाहिए। चलो